बिहार सरकार के सीनियर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लोग रहते हैं तो नीतीश कुमार अच्छे होते हैं, बिहार की सरकार अच्छे से काम करती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। लेकिन जिस विभाग में बीजेपी के नेता मंत्री थे उस विभाग में तो काम ही नहीं हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो बीजेपी कोटे के मंत्रालय में खूब बही है। ये आरोप बिहार सरकार के मंत्री खुद लगा रहे हैं। विजेंद्र यादव ने कहा कि हाल ही में एक पुल गिर गया, उस पुल के गिरने की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आप बताइए कि उस पुल के गिरने के वक्त मंत्री भले ही आरजेडी कोटे के हैं लेकिन जब वह पुल बन रहा था तब सरकार में कौन शामिल था, किस पार्टी के नेता उस विभाग के मंत्री थे? तब बीजेपी के लोग उसमें मंत्री थे और उस वक्त गड़बड़ी हुई थी, मंत्री क्या कर रहे थे? इससे साफ जाहिर होता है कि मंत्री कोई काम ही नहीं करते और जब वो विपक्ष में चले जाते हैं तो हो हंगामा करते हैं। विजेंद्र यादव का यह बयान विजय सिन्हा को लेकर था। विजय सिन्हा जो नेता विरोधी दल हैं उनके ऊपर विजय सिन्हा ने बड़ा सवाल उठाया है। कहा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान वो खुद लंबे समय तक मंत्री रहे, वो अपने विभाग के अंदर कौन क्या कुछ काम हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दरअसल बिहार में भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में एक पोस्टर लगाया है और महागठबंधन और एनडीए यानी जब बीजेपी सरकार में थी तब जो वादा की थी उसे पूरा करने की बात कह रही है, जबकि महागठबंधन जनता से किए हुआ वादा अब तक पूरा नहीं कर रहा है। ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया और इसी आरोप को लेकर जब बिहार सरकार के सीनियर मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने ही शासन काल के दौरान, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की जो दोस्ती थी वो थी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी, लंबे समय तक बीजेपी साथ में रही और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही थे, अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन अब विजेंद्र यादव का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही रहें लेकिन जिस विभाग में उनके सहयोगी यानी बीजेपी के लोग मंत्री थे वो अपने विभाग के अंदर काम ही नहीं किए और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और गलतियां बीजेपी कोटे के मंत्रियों के विभाग में हुई है। सुनिए विजेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। रूप में इनका साफ कहा हम अलर्ट हैं, पहले से भी जितना काम किया गया है इसमें भारत सरकार की ओर से रिवार्ड भी मिला है बिहार को कि बेहतरीन काम कोरोना के माध्यम में मामले में किया है। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है राहुल गांधी को, अब वो कांग्रेस वाले से पूछिए, उसमें हम कोई कमेंट नहीं करें। क्या मतलब यात्रा स्थगित हो जानी चाहिए? प्रिकॉशन के साथ यात्रा होनी चाहिए, इलेक्शन हुआ तो कहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ। यात्रा स्थगित होने का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मास्क लगा करके अब भीड़ भाड़ से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, वो पॉलिटिकल मामला है क्या है। बीजेपी का स्पष्ट कहना है कि बिहार सरकार को मुआवजा देना होगा जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है। इनका कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार कह रहे हैं कि सरकार को देना ही होगा, जब तक नहीं देंगे हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे तो अपना करे जो करना है वो करो, मुआवजा का कोई प्रॉब्लम कानून में नहीं है। और कह रहे हैं कि आंकड़ा भी गलत दे रही है सर। तो सही आंकड़ा दे, भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए उसमें सबसे ज़्यादा डेथ तो हुआ मध्य प्रदेश में, सेकंड हुआ हरियाणा में, उस पर क्यों नहीं वो लोग मुआवजा दे रहे हैं? सर भारतीय जनता पार्टी है, पटना में देख रहे हैं कि होर्डिंग लगा रहा है जगह जगह पर, उसमें अपनी उपलब्धियाँ गिना रहा है और आप लोग की जो सरकार की रही है उसमें भाजपा की सरकार कब रही है जो अपनी उपलब्धियाँ गिना रहा है? बिहार में तो भाजपा की सरकार कभी रही नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार रही है। जो नेतृत्व की बातें होती है तो नेता का ना निर्णय होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है कि टू ऐड एंड एडवाइज देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल का काम है मुख्यमंत्री को सहयोग करना और सलाह देना, तो सरकार तो उनकी कभी रही नहीं। आपको स्मरण होगा 2005 में भाजपा 52-53 सीट जीती थी, जब हम लोगों से अलग हुई तो 58 सीट जीती, और पिछले दिनों से तिक्रम करके लोजपा को खड़ा करके पैसा देके उनको हम लोगों को हराने का काम किया, अपना सीट बढ़ाने का काम किया। शेयर तो हम लोगों का 5 सीट हम लोगों को ज़्यादा मिला था बंटवारे में। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन कोई गुलामी नहीं होती है, हम लोग बराबर सीट पर समझौता करेंगे, पार्लियामेंट के समय भी कहा था, विधानसभा में भी।
पिछली बातों को तो आप लोग भी भुला देते हैं। बीजेपी की सरकार कब रही, क्या बिहेव था स्पीकर के रूप में इनका? दरअसल जायसवाल और जो विजय सिन्हा के चलते एनडीए टूटी। लेकिन आज चिल्ला रहे हैं, उसमें नीतीश जी के नेतृत्व में मिनिस्टर थे वो, उसका अपना परफॉर्मेंस तो बता रहे हैं विभाग का क्या परफॉर्मेंस रहा, बहुत लंबे समय तक मंत्री थे। विपक्ष में रहते हैं तो भटर भटर बोलते हैं, अब पक्ष में रहते हैं तो काम नहीं करते हैं। आज जरा पूछिए, पूरी बोलिए, आप ही लोग छापे हैं वहाँ, एक पुला टूट गया ना, कौन थे मंत्री जरा बोलिए ना, कौन थे मंत्री? भाजपा के थे कि जनता दल के थे? कहाँ कोई उसको न्यूज बना रहा, वो उपलब्धि है? क्यों गलत सामान लगाया, मिनिस्टर क्या कर रहे थे? चार महीने अभी बिहार गड़बड़ हो गया, चार महीने तक सब ठीक था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महीना हुआ, लगभग चार महीना में सब कुछ जनता दल का गड़बड़ हो गया और उनका उपलब्धि एकदम आसमान पर चला गया। भाई इतना झूठ तो बोलने के हम लोग आदि भी नहीं है, झूठ बोलना भी पाप है। अब्दुल बाड़े से देखी कह रहे हैं कि ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।